बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 3 डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको याद हो कि हमने जब चैप्टर 2 स्टार्ट किया था तो हमने काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में एक सिंपल सा डिफरेंस देखा था। तो डायनेमिक्स चैप्टर 2 में हमने जितनी भी स्टडी की, हमने सिंपल एक मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, फाइनल वेलोसिटी ये होगी, एक्सीलरेशन ये होगा। लेकिन कभी भी हमने उस कॉज के बारे में डिस्कस नहीं किया जो मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है, जो मूव। सो मेन जो चीज इसमें हमारे पास जिस चीज मूव करती है वो कहलाती है फोर्स। कि हमने जितना भी ऑब्जेक्ट को की मोशन को किया, उसमें हमने क्या किया था, काइनेमेटिक्स में हमने विदाउट फोर्स, फोर्स का जिक्र नहीं किया था कि फोर्स नहीं लग रही। बस हमें पता था कि भाई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इतनी थी। अब हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है? वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो क्या कॉज है जो ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है, मींस हम भी कैसे कॉज विच प्रोड्यूसेस द मोशन, उसके अंडर हम जो है वो मोशन को इफेक्ट, मोशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। और वो हमारे पास जो कॉज जो हमारे पास नॉर्मली मोशन को प्रोड्यूस करता है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, फोर्स। सो डायनेमिक्स में मेन जो हमारे पास कॉज होगा उस कॉज को भी कंसीडर कर रहे होंगे जो किसी भी, अच्छा, मोशन को प्रोड्यूस कर रहा हो या रेस्ट को प्रोड्यूस कर रहा हो वो हम साथ साथ देख जाएंगे, लेकिन ये हमारे पास आएगा। आज के ऑन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द यूनिट नंबर 3 हम 3 टर्म्स को जो है उनकी डेफिनेशन और उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट टर्म विच इज फोर्स। सो पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फोर्स को हम देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है और फिर हम उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सो ये हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी है, अ फोर्स प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस द मोशन इन अ बॉडी विच इज इनिशियली एट रेस्ट, stop or tends to stop the moving body and force can also change the direction of moving object. तो हम इस definition को 3 parts में divide कर सकते हैं। पहला part हमारे पास है produces or tends to produce the motion यहाँ तक, this is our first part, okay? पहले हम इस part को थोड़ा सा understand करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई body initially एक rest में है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमारे पास ये एक बॉक्स है और ये बॉक्स जमीन पर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो आप इसको पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, बात एक ही है, दोनों तरफ हम पॉसिबल है। हम अगर हम यहाँ से हम बात करें तो हम कहेंगे हम इसको पुश कर रहे हैं, सम पीपल यूज द पुश और पुल, दैट्स ओके। अगर आप इसको और इसका फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो हमारे पास स्टफ है उसका वेट है 5 किलोग्राम, एक 5 किलोग्राम का है, एंड योर यंग गाय फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो 9th 10th में हमारे पास स्टूडेंट जो है वो 12th 13th 14 15 ईयर्स के होते हैं, सो आई गेस कि 15 ईयर्स के स्टूडेंट्स जो है वो एक 5 किलोग्राम के बॉक्स को ड्रैग कर सकते हैं। सो ये इनिशियली एक रेस्ट है, आप इस पर अगर इसको पुश करेंगे सो ये हमारे पास क्या करना शुरू हो जाएगा, ड्रैग करना शुरू हो जाएगा, ये ड्रैग कर रहा है, ये मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। So, हमारे पास क्या हुआ, अब आपने इस पे जो चीज लगाई वो क्या थी, जो एक क्वांटिटी लगाई या एक हमारे पास जो कॉज था उसने क्या किया, एक इनिशियली रेस्ट बॉडी को मोशन में लेकर आ गया। सो क्या था, एक जो इनिशियली रेस्ट में एक बॉडी थी, इनिशियली रेस्ट में थी, उसको उसने मूव करवा दिया। सो क्या करवा दिया, उसको मूव करवा दिया, उसको मोशन में लेके आ गया। सो फोर्स क्या है, हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसने हमारे पास क्या किया, एक रेस्ट में बॉडी को जो इनिशियली रेस्ट में थी उसको क्या कर दिया, उसमें मोशन प्रोड्यूस कर दी एक बॉडी होने में, ठीक है। सो ये फोर्स है हमारे पास। अब इसके मुकाबले में हम एक चीज और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार मौजूद है, ठीक है, एंड वी नो दैट द दिस इज अ कार, समहाउ I have mostly, most probably I have made it correct. ये सामने इसकी हमने एक लाइट बना दी, ये कार है और I'm not, I don't know, we can say that
कार का आपको मालूम है कि वजन काफी ज्यादा होता है, सॉरी यू हैव टू यूज द वर्ड मास, द मास ऑफ द कार इज वेरी हैवी, फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक जनरली एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसका जो वेट है वो 100 किलोग्राम है, ठीक है, और ये गाड़ी जो है वो इस टाइम बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में मौजूद है, और थोड़ी देर के लिए हम ये कह लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आर्ग्यू कर सकते हैं सर हम लोग धक्का देते हैं वो, सो आप इसको पुश कर रहे हैं, इस कार को भी आप क्या कर रहे हैं अकेले, यू अलोन पुशिंग द कार, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए सोचे इसकी हैंड ब्रेक भी खींची हुई है, तो अब आप इसको जब पुश करेंगे अकेले, अब ये कार क्या होगा, कैन दिस कार मूव, ये कार मूव नहीं करेगी, ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं 100 kg को, आई डोंट थिंक सो हमारे पास स्मॉल स्टूडेंट जो है वो 100 kg को मूव कर सकते हैं, चलिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो 100 kg की जगह में आप आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं 200 kg कर, ठीक है, अभी 200 kg की कार को आप अकेले पुश कर रहे हैं तो क्या ये कार मूव करेगी, डेफिनेटली कार मूव नहीं करेगी, लेकिन देखिए आप इसके ऊपर पुश, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कोई एक्शन तो कर रहे हैं ना, सो दैट एक्शन इज फोर्स, सो इसीलिए हमने यहाँ बात की कि अ फोर्स, इसके लिए थोड़ी देर के लिए इस क्वांटिटी को हटा के पढ़ते हैं, फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी, ये तो हमने यहाँ देख लिया कि प्रोड्यूसेस बॉडी, लेकिन उसमें हमने लिखा और टेंड्स टू प्रोड्यूस, अब यहाँ क्या है टेंड्स टू प्रोड्यूस, तो ये फोर्स जो है ये क्या कर रही है, ये इसके अंदर ट्राई कर रही है, टेंड्स कर रही है प्रोड्यूस करने की कि ये बॉडी मूव करे, लेकिन ये बॉडी मूव कर नहीं रही है, सो फोर्स क्या होगी, फोर्स either it produces the motion in the rest body or it tends to produce the motion in a body which is initially at rest, ye initially at rest hai, iski ek example aur le le, for example simple si baat karte hain, ek wall hai simple, chale ek simple ek deewar hamare paas maujood hai ek, aur aap idhar khade hokar is deewar ko dhakka de rahe, push kar rahe, so can you move it, no, ye body jo hai hamare paas motion, no motion, कोई भी motion produce नहीं होगी, लेकिन still you are applying the force in it. So पहला part और उसके भी पहली definition का हिस्सा जिसको मैंने bracket में इधर show किया था with the green bracket, इसमें देखिए हमने बात की थी कि force क्या है, वो produce करती है motion जिसको हमने देखा आप इस केस में, और tends to produce या produce करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है, now come to the second part of the definition and I am going to underline it with a red line. Sorry, ये line थोड़ी टेढ़ी होगी. Stop or tend to stop a moving body. Force क्या है? It stop करती है या tends to stop a moving body. हम वही बात करते हैं कि for example आपका एक कोई friend है, bicycle पे वो जा रहा है, ठीक है? bicycle simple हमारे पास it's very difficult for me to make the bicycle here, I'm not sure, sorry I cannot make it, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, so चलें वो आपका दोस्त जो है bicycle पे जा रहा है, let it consider a bicycle, ठीक है, और आप इसको पीछे से pull करते हैं वो slow speed में, तो आपने जब उसको pull किया तो थोड़ी देर बाद जाके most probably अगर आप if you are strong enough आपका तो आप क्या करेंगे इसको स्टॉप कर देंगे, ये बाइसाइकिल रुक जाएगा, ठीक है, या दूसरे अल्फाज में एक और करें कि आपका बाइसाइकिल एकदम किसी ढलवान सतह पे निकल गया जा रहा है, और फॉर एग्जांपल आपके पास थोड़ा सा एक स्लोप है और उस पर आपका बाइसाइकिल जो है वो अकेला मूव कर रहा है और आप उस बाइसाइकिल को पीछे से पकड़ के पुल करें तो आपका बाइसाइकिल क्या होगा थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगा, तो आपने कैसे किस चीज उसको स्टॉप किया, आपने उस पर फोर्स लगाई, ठीक है, सो द फोर्स फोर्स ने क्या किया एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया स्टॉप कर दिया, स्टॉप और इन अदर वर्ड्स उसको रेस्ट में ले गया, सो फोर्स इज एन क्या है हमारे पास, यहां से हम अगेन इस टर्म को छोड़ के पढ़ेंगे, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, अ फोर्स स्टॉप्स द मूविंग बॉडी, फोर्स क्या करती है एक मूविंग बॉडी को स्टॉप करती है, ठीक है, अब अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल भी हम कार की ही ले लेते हैं, चलें एंड इट्स इजी टू मेक अ कार, एक कार है एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ कितनी स्पीड ले चलें
40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और आप अकेले एकदम इसको पीछे से पुल करने की कोशिश करें, कैन यू स्टॉप दैट कार? डेफिनेटली इट इज अ वेरी डिफिकल्ट, और वी कैन से इट्स अ वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू स्टॉप द कार मूविंग विद अ 40 किलोमीटर पर आवर, ऑल्दो सम पीपल कैन डू इट, बट अगेन हम जनरली बात कर रहे हैं नॉर्मल इंसान के हवाले से. सो इट मींस दैट अब आपने लगा तो लेकिन वो स्टॉप नहीं होती, तो आप क्या कर रहे हो, टेंड्स टू स्टॉप. जो आप टेंड्स टू स्टॉप और टेंड्स टू रेस्ट, आप उसको रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हो. तो हमने देखा क्या हुआ हमारे पास, फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एजेंट और इज द क्वांटिटी व्हिच स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग बॉडी. अब यहाँ मूविंग बॉडी स्टॉप नहीं हुई लेकिन उसे टेंड्स टू स्टॉप किया मूविंग बॉडी. ठीक है, सो हमारे पास देखिए, अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, आई एम अगेन गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट. अ फोर्स प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस द मोशन इन अ बॉडी व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट. कोई भी बॉडी जो रेस्ट में हो तो फोर्स क्या करेगी, या तो उसके अंदर उसको मूव में आप उस पर अगर फोर्स लगाओगे तो वो मूव करना शुरू कर देगी और वो टेंड्स करेगी मूव करने की कोशिश कर सकती है. नॉट नेसेसरी कि आपकी फोर्स लगाने से मूव करना शुरू कर दे, बट स्टिल यू आर अप्लाइंग द फोर्स, तो फोर्स वहां मौजूद है. सेकेंड थिंग के फोर्स क्या चीज है, जो स्टॉप कर दे या टेंड टू स्टॉप करे मूविंग ऑब्जेक्ट को, या मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने की कोशिश करे. सो दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फोर्स. एक और चीज यहाँ नीचे लिखी है, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. यस, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई फुटबॉल है और ये फुटबॉल हमारे पास, या सॉरी फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई फुटबॉल मौजूद है और ये मूव कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और इस तरीके से इस तरफ हमारे पास मूव कर रहा है, एंड यू अप्लाई द किक. आपने इसको यहाँ से क्या किया है, एक सिंपल जो है हमारे पास अपने उससे किक आ गई. सो जैसे ही हम इस पे किक अप्लाई करेंगे, तो देखिए अगर स्ट्रेट लाइन में वारर मैंने इधर से इसको किक मारी, सो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा. ठीक है, स्पीड तेज होना और अलहदा होना वो एक अलहदा बात है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी हमारे पास फोर्स जो है वो क्या कर देती है, चेंज कर देती है. सो फोर्स हमारे पास जैसे हमने पढ़ा क्या हो गया, द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, होपफुली आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. तो फोर्स जो हमारे पास तीन बातें करेगी, रेस्ट वाली बॉडी को मूव कर देगी और मूव करने की कोशिश करेगी, मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाएगी और रेस्ट में लाने की कोशिश करेगी, और दे कैन इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी. तो ये हमारे पास जो है ये सिंपल फोर्स की डेफिनेशन है. आई वॉज थिंकिंग कि हम इनर्शिया और मोमेंटम भी इसी कोर्स में इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अगेन हम कोशिश करेंगे कि इनर्शिया और मोमेंटम ये दोनों चीज़ें जो हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.